एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो मैं किस किस को दे सकती हूँ या किस किस से ले सकती हूँ, तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। आ जाइए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ब्लड टाइप। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि हमारे कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो आपको अगर मालूम होगा तो आपको पता है हमारे चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी ओ। लेकिन यहां पे ए बी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो हम चारों चारों को लिखेंगे, आठों को लिख देते हैं। तो यहां पे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। फिर आ जाते हैं ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। आई होप आपने इतना कर लिया होगा। तो एक और बात यहां पे ध्यान रखनी है, जो नेगेटिव वाले ग्रुप्स होते हैं वो पॉजिटिव वालों को तो दे सकते हैं, ये पॉजिटिव वालों को तो दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वालों से ले नहीं सकते, ये याद रखना है। जो नेगेटिव, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा वो इनको दे तो पाएंगे लेकिन इनसे ले नहीं पाएंगे। एक बात ये आपको क्लियर हुई, इनसे नहीं ले पाएंगे। अब हम देखते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी, जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है वो किस किस को दे सकते हैं। आओ, तो किस किस को दे सकते हैं भैया? ए पॉजिटिव वाले अपने जैसे भाई बंधु को दे सकते हैं, ए पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं, ठीक है, ओके। और किसको दे सकते हैं? और किसी को दे सकते हैं क्या? लगाइए थोड़ा दिमाग, जल्दी से 5 मिनट के अंदर बताएंगे किस किस को दे सकते हैं, जल्दी बताएं। ये किस किस को दे सकते हैं? ठीक है, तो ये दे सकते हैं जी ए पॉजिटिव वालों को और ए बी पॉजिटिव वालों को। ऐसा हमने क्यों लिखा? तो यहां पर हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो ए बी पॉजिटिव की स्ट्रक्चर है, तो यहां आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, कैसी स्ट्रक्चर बनती है? अगर आपने स्ट्रक्चर बनानी सीखी है पिछले लेक्चर में तो आपको मालूम होगा कैसी स्ट्रक्चर बनती है। तो स्पेशली हम पहले, सबसे पहले ए पॉजिटिव वालों की बना लेते हैं। ऐसे ट्रायंगल शेप की स्ट्रक्चर आरबीसी की सरफेस पर बनी हुई रहती है और उसके साथ रहता है यहां पर आरएच फैक्टर जुड़ा हुआ। तो आरएच फैक्टर की स्ट्रक्चर बनाओ, ये लो यहां बना ली हमने आरएच फैक्टर की स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो अब यहां पर ए बी पॉजिटिव की स्ट्रक्चर बनाओ। ए बी पॉजिटिव में ट्रायंगल भी होगा, सेमी सर्कल भी होगा, आरएच फैक्टर भी होगा। तो यहां वही सेम चीज चलेगी, तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर वाला मेरा लेक्चर देख लेना तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें। अब यहां पे देखो, अगर हम ए पॉजिटिव वालों से ब्लड दे रहे हैं, ये इसको दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है। तो यहां पर ए पॉजिटिव वालों को और ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकता है। अब ये किस किस से ले सकता है उसको देखिए। तो ये ए पॉजिटिव वालों से ले सकता है, ए पॉजिटिव वालों से ले सकता है, ए नेगेटिव वालों से, जैसे मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव वाले इन्हें दे सकते हैं, तो ये ए नेगेटिव वालों से दे, ए नेगेटिव वालों को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव वालों से ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो यही बात आपने ध्यान रखनी है, क्यों नहीं ले सकते? अब देखो यहां में हम लिख रहे हैं ये ए बी पॉजिटिव वाला अगर इसको दे देगा तो इसके पास तो एंटीबॉडी बी है, एंटीबॉडी बी है, और यहां पर एंटीजन बी
आ जाएगा और बी आने के कारण ये इसके साथ क्लॉट कर जाएगा, तो ये जमने के कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव रिसीव करेगा और ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव वालों से ले सकता है, ओ नेगेटिव वालों से ले सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। अब आओ बी पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, सेम इनकी भी हालत यही है, बी पॉजिटिव वालों को दे पाएंगे, ए बी पॉजिटिव वालों को दे पाएंगे, लेकिन ले पाएंगे सिर्फ बी पॉजिटिव वालों से, बी नेगेटिव वालों से, ओ पॉजिटिव वालों से, ओ नेगेटिव वालों से। ठीक है, क्यों ऐसा कहा, सेम वही कंडीशन है। यहां पर जैसे स्ट्रक्चर ए पॉजिटिव की है, अब हम यहां बी पॉजिटिव की स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसकी सरफेस पर ऐसे सेमी सर्कुलर टाइप के बनेंगे ऐसे, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर टाइप के बना लिए और यही साथ में आरएच फैक्टर भी दे दिया, ये लो ये हो गया आरएच फैक्टर। अब ये जो बी पॉजिटिव वाले हैं किससे रिसीव कर रहे हैं, बी पॉजिटिव वालों से, बी नेगेटिव वालों से रिसीव कर लेंगे। अब इससे ये रिसीव नहीं कर सकते, अगर रिसीव करेंगे तो इनके पास बी पॉजिटिव वालों के पास जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी ए होती है और इसके पास एंटीजन ए है, और अगर ये ब्लड इसमें डाल दिया जाए तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए मिलके क्लॉट होने के कारण मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आई बात ए बी पॉजिटिव की, ए बी पॉजिटिव क्या करेंगे, किसको दे पाएंगे, तो ये क्या है, किसको दे सकते हैं, किसी को मालूम, ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं, और ए पॉजिटिव ए नेगेटिव सभी से ये रिसीव कर सकते हैं। ए बी पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर, तो ये सभी से क्या कर सकते हैं, एवरीवन सबसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब आई बात ओ पॉजिटिव की, ओ पॉजिटिव सबको ब्लड दे सकते हैं, कह सकते हैं सबको दे सकते हैं क्या, ओ पॉजिटिव को वैसे तो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, लेकिन ये असलियत में यूनिवर्सल डोनर नहीं है, क्योंकि ये ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ओ पॉजिटिव किससे ले सकता है, ये ओ पॉजिटिव वालों से ले सकता है, ओ नेगेटिव वालों से ले सकता है मात्र। फिर आते हैं नेगेटिव वालों पे, ये नेगेटिव वाले किसको दे सकते हैं, तो ए पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है, ए नेगेटिव वालों को भी दे सकता है, यस ए बी पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव वालों को भी दे सकता है, तो ये इन चारों को दे रहा है। अब किससे लेगा, ए नेगेटिव वालों से लेगा, ओ नेगेटिव वालों से लेगा, है ना। चलो आगे, बी वाले क्या करेंगे, सेम वही बात, बी पॉजिटिव वालों को देंगे, बी नेगेटिव वालों को देंगे, बी ए बी पॉजिटिव वालों को देंगे, ए बी नेगेटिव वालों को देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये किससे लेंगे, रिसीव किससे करेंगे, बी नेगेटिव वालों से, ए नेगेटिव वालों से, ए बी नेगेटिव किसको देगा, किसको देगा, ये है किसको देगा बताइए, ए बी पॉजिटिव वालों को देगा, ए बी नेगेटिव वालों को देगा, और किससे रिसीव करेगा, तो नेगेटिव वालों से ही रिसीव करेगा, पॉजिटिव वालों से रिसीव नहीं करेगा, एवरीवन। ठीक है, अब जो ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब आया ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी दे सकता है, लेकिन मात्र ले सकता है ओ नेगेटिव से, और किसी से
नहीं ले सकता, इसलिए ये ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। और जो कॉमन ब्लड ग्रुप है वो ये है, बी पॉजिटिव बहुत कॉमन है, मोस्टली बहुत ज़्यादा मिल जाता है ये, है ना। तो आई होप आपको डोनेट और रिसीव समझ में आ गए होंगे ब्लड ग्रुप के। अगर आपको एक कंप्लीट लेक्चर पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लासेस जा करके चेक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।